Good morning, students. Can you hear me? Can you hear me? Yes, you can. Can you hear me? Please respond. You guys currently can you hear me? Yes, beta, can you hear me? Please answer. Can you hear me, beta? Yes, ma'am. Hello. What is it? You are? Adik-adik
बेटा रिप्लाई आंसर यूनिट कैन यू हियर मी Please unmute yourself and answer. Can you hear me? Can you hear me, students? Okay, let's start the topic. हमने उस दिन मैथमेटिकल रूल्स में स्टार्ट किया था यहीं से कि मैथ क्या है फिजिक्स की लैंग्वेज है ठीक है फिर फिजिक्स को इजी हो जाता है अगर हम मैथ यूज करके अंडरस्टैंड करना फिजिक्स को डिस्क्राइब करना और फिजिकल प्रिंसिपल्स अप्लाई करना और हमने ये किया था न्यूटन लॉ को मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये हमने उस दिन किया था बाइनोमियल थ्योरम तक और उसके बाद हमने कुछ कॉमन फॉर्मूले किए थे a plus b होल स्क्वायर वाले जो मैथ में ऑलरेडी तुम कर चुके हो नेक्स्ट हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया था कि जो इक्वेशन सेकंड डिग्री की होती है उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म की थी ax square plus bx plus c equal to 0 और इसके रूट्स कैसे निकालने हैं रूट ऑफ इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है ना रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड ये सारा हमने उस दिन किया था और उस डिस्क्रिमिनेंट मेथड के बाद रूट्स को फाइंड करने के फॉर्मूले को जनरली हम किस तरह से लिख सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट लास्ट पे हमने किया था बाइनोमियल सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किया था डिफरेंस किया था है ना ये सारी वैल्यूज वहीं से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करके आई हैं कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दी थी मैंने आपको कि ये वाली सॉल्व इक्वेशंस यस और नो यस मैम
यस मैम ठीक है और उसके बाद हमने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा था ये तुम्हारा यहाँ तक तो पुराना ही था बाइनोमियल थ्योरम में कितने टॉपिक था जिसमें क्या था कि यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी हो कुछ भी हो के अगर पावर है जो n की वैल्यू है जो 2-3 ना होकर 4 ना होकर उससे भी बहुत ज्यादा बड़ी हो है ना या फिर नेगेटिव में हो या फिर कोई फ्रैक्शन हो वैसे केस में हम इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए बाइनोमियल बाइनोमियल इसका नाम मैथमेटिशियन था उसके नेम से ही आया और बाइनोमियल बाय मतलब टू भी होता है ये हम टू नॉमियल है टू ले रहे हैं है ना तो टू को सॉल्व कैसे करना है तो बाइनोमियल थ्योरम यूज करके हम करते हैं तो इसका हमने फॉर्मूला किया था कि अगर a प्लस बी की होल पावर n हो n पॉजिटिव हो नेगेटिव हो या कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है 0.123 1/3 2/3 तो इसको यहाँ पे हमने इन्होंने कंसिडर कर लिया कि अगर a की वैल्यू 1 है b की वैल्यू क्या है x है तो ये इसका फॉर्मूला था ये हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके उस जितनी पावर होगी उसको खोल के सॉल्व करके लिख सकते हैं इजी वे है ना इसके साथ क्या हो जाता है इजी हो जाता है और यहाँ पे टू एक्सक्लेमेशन का जो साइन लगा हुआ था ये बताया था कि ये फैक्टोरियल होता है फैक्टोरियल की नोटेशन है और फैक्टोरियल को कैसे फाइंड आउट करते हैं इसका फॉर्मूला किया था कि एन फैक्टोरियल क्या होता है एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री सो ऑन थ्री इंटू टू इंटू वन यहाँ तक हमने उस दिन किया था जैसे थ्री का फैक्टोरियल निकालना है तो हम वन तक चलेंगे थ्री इंटू टू इंटू वन तो आंसर क्या आ गया था हमारा सिक्स है ना और उसी तरह अगर 4 का 2 का निकालना है 2 इंटू 1 5 का निकालना है 5 इंटू 4 1 तक लेके जाना होता है लास्ट मतलब एक एक कम करते जाएंगे तो ये फैक्टोरियल को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था और फिजिक्स में तो तुम्हारा ये तो सारा मैथ में तुम्हें इतनी इतनी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी फिजिक्स में तो इसका एक स्पेशल केस यूज हो जाएगा थ्योरम का वो क्या है हमारे पास है ना सबसे पहले तो ये की पॉइंट पढ़ लो कि अगर n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है मान लो n की वैल्यू 2 है तो हमारे पास क्या बन जाएगा a plus b का होल स्क्वायर उसमें कितनी टर्म्स होती हैं a plus b के होल स्क्वायर में अगर हम लिखते हैं a plus b का होल स्क्वायर तो उसमें होता है a स्क्वायर plus 2ab plus b स्क्वायर 3 टर्म्स होगी ना अगर तुम a plus b की होल क्यूब को सॉल्व करते हो तो वहां पे कितनी पावर टर्म्स बन रही हैं वहां पे बन रही हैं 4 पावर्स है ना तो देखो a plus b का होल स्क्वायर कितनी टर्म्स बन रही हैं 1 2 3 a minus b का होल स्क्वायर 1 2 3 है ना a plus b का होल क्यूब कितनी टर्म्स बन रही हैं 1 2 3 और एक बार ये बन जाएगा 3a square b plus 3ab square 4 4 terms बन रही हैं तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर 2 है n की value तो 2 plus 1 3 terms आएंगी अगर 3 है n की value तो 4 terms आएंगी मतलब n में एक plus 1 हो रहा है तो अगर question इस तरह से बन जाता है कि अगर हमारे पास number of terms n है और n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो एक्सपेंशन के पास कितनी जब हम उसको सॉल्व करके एक्सपेंड करके लिखेंगे आंसर में तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी n प्लस 1 समझ आया ये वाला की पॉइंट यस मैम ठीक है और अगर कोई n नेगेटिव इंटीजर है ना ये तो पॉजिटिव के लिए था प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन अगर नेगेटिव इंटीजर है या फिर कोई फ्रैक्शन है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी इनफिनाइट होंगी वो हमें नहीं पता कि वो कितनी होंगी देयर इज नो लास्ट टर्म एक्सपेंड करके देखोगे तो वो होता ही जाएगा अगर इंटीजर है नेगेटिव इंटीजर है या फ्रैक्शन है तो वहां पे कोई भी लास्ट टर्म नहीं होगी और वो नंबर ऑफ टर्म्स इनफिनाइट होंगी जैसे केस में अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो आप सॉल्व करके देख रहे हैं तो वहां पे एन प्लस वन हमारा आ गया अब फिजिक्स में तो तुम बस ये वाला यूज कर लोगे हमेशा बाइनोमियल कि अगर x वेरी वेरी लेस देन 1 हो मान लो x की वैल्यू हमारे पास x क्या है यहाँ पे ये वाली है ना यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू 1 हो और x की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी हो एज कम्पेयर टू 1 है ना पॉइंट समथिंग हो 1 से बहुत छोटी हो तो वैसे केस में हम सिर्फ फर्स्ट टू टर्म्स से ही सॉल्व कर लेते हैं ठीक है देखो वैसे केस में तुम क्या लिख लोगे 1 प्लस ये वाला बस फर्स्ट टू टर्म्स बाइनोमियल की 1 प्लस nx इससे ही हम आंसर लिख देंगे और क्या आएगा ये आगे वाली यूज नहीं करेंगे ठीक है
अगर क्या हो ये सिर्फ तब लगेगा ये वाला फॉर्मूला अगर x की a की वैल्यू 1 हो और x की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1 हो उस टाइम हम सिर्फ बाइनोमियल का कितना स्पेंड करते हैं अप टू 2 टर्म्स का और अप्रोक्स आंसर लिख देते हैं फिजिक्स में बाइनोमियल बस इतने के यूज करोगे तुम कि अगर 1 plus x की होल पावर n है और x is very very less than 1 then only first two terms of expansion are significant ठीक है इतनी लिखना ही important है ये क्यों है because second और third terms हैं जो higher order की बन जाएंगी वो ठीक है वो बहुत ज़्यादा small हो जाएंगी उनको हम neglect कर सकते हैं ये देखो यहाँ पे हमारे पास x की value तो बहुत छोटी होगी है ना लेकिन नीचे वो डिवाइड होता जाएगा तो ये क्या होगा बहुत ज्यादा स्मॉल आ जाएगी इसकी लेंथ ये तो पहले 0 पॉइंट समथिंग है ये भी 0 पॉइंट है ऊपर से इसका स्क्वायर हो रहा है क्यूब हो रहा है ये और डिवाइड भी हो रहा है यहां पे 6 के साथ यहां 2 भी नेक्स्ट वाली तो एज द बहुत ज्यादा स्मॉल बन जाएगी ना तो वो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं ठीक है तो इसीलिए हम सिर्फ एक्सपेंशन की सिर्फ टू टर्म्स को फर्स्ट टू टर्म्स को इंपॉर्टेंट मान के चलते हैं बिकॉज़ सेकंड के बाद थर्ड फोर्थ एंड हायर ऑर्डर के टर्म्स बहुत बहुत स्मॉल हो जाएंगे और उनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं ठीक है तो अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू एक्स तो वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1 हो तो उस केस में हम बाइनोमियल को कैसे खोलते हैं 1 plus x होल पावर n is equal to 1 plus n मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ और अगर माइनस n है तो 1 minus n x अगर यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1 plus n x और अगर 1 minus x की होल पावर n है तो 1 minus n x समझ आया ये यहाँ तक क्लियर है यस मैम ठीक है अब देखो अब क्वेश्चन करते हैं ये तो पहले तो देखो यहाँ पे क्या बोला है इवैल्यूएट करो 1001 रेज टू पावर 1 ये पीछे वाला मत देखो अभी इतना ही देखो कि ये लिखा है कि 1001 को इवैल्यूएट करना है ओनली यहाँ अब टू 6 डेसिमल प्लेस वाला हम नहीं करो देखो इसमें तुम करो ये बन गया 1000 इसको सॉल्व करने के लिए अब तुम इसे बनाओगे पहले बाइनोमियल में चेंज करोगे पहले है ना ताकि हम बाइनोमियल लगा सके बाइनोमियल के लिए हमें क्या चाहिए a plus b की होल पावर n है ना अगर उनमें से एक 1 बन जाए तो और भी इजी है फिर हम दो वाला भी लगा सकते हैं कि अगर x वैल्यू लेस देन 1 तो फिर इसको क्या कर लिया 1000 plus 1 ठीक है 1000 को कॉमन निकाल अंदर में आ गया 1 plus 1 1000 उसके बाद यहाँ पे क्या बन गया 1000 की ये क्या है ये 10 पे है और इसकी पावर 1/3 है 10 क्यूब इनटू 1/3 हो जाएगा 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया हमारे बाहर कॉमन क्या आ गया 10 और अंदर क्या रह गया 1.001 की होल पावर 1/3 तो अब देखो आप यहाँ पे को लगा सकते हो ये 5 से x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.001 दैट इज वेरी वेरी लेस देन 1 तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे ये वाला स्पेशल केस कि अगर x वेरी लेस देन 1 हो तो हम डायरेक्ट ओनली टू टर्म्स लिख लेते हैं तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा 1 plus nx n की वैल्यू कितनी है 1/3 into this आगे वाले स्टेप में ये सॉल्व हो जाएगा ठीक है 1 plus nx ओनली टू टर्म्स as x is very very less than 1 तो हमने इसके बाद क्या लिख दिया यहाँ पे 10 ऐसे ही था x n की वैल्यू 1/3 आ गई इस कॉम्प्लीमेंट कर दो n की वैल्यू 1/3 x की वैल्यू 0.001 ठीक है तो ये बन गया यहाँ तक कोई डाउट समझ आ गया यहाँ तक यस मैम ठीक है तो बस डेमोपुट की एलसीएम लिया सॉल्व किया और साथ में लिखा है ये इसका ब्लॉक आंसर ठीक है ये तो ठीक है हम ऐसे ही करेंगे फिजिक्स में वन से लेस देन बनाने की कोशिश करेंगे मैथ्स में तुम ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे वहां तुम्हारा पूरा चैप्टर है बाइनोमियल का परमुटेशन बाइनोमियल थ्योरम है जो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल पैटर्न्स दिखेंगे वहां बहुत ज्यादा जो एन सी जीरो जो मैंने लिखी है ना ऊपर सी फॉर कॉम्बिनेशन ये बहुत ही ज्यादा अच्छे है वहां तुम एक ट्रायंगल पढ़ोगे उसमें तुम्हें ये सारा बहुत अच्छा लगेगा ट्रायंगल का वो करोगे बहुत ब्यूटीफुल है ये सी जो लिखा है ये कैसे बने हैं बहुत अच्छा है मैथ्स में तुम्हें प्रॉपर क्लियर हो जाएगा यह हम थोड़ा बहुत यूज करेंगे इसलिए बेसिक बता रही हूँ तो इसके बाद देखो अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो अप टू 6 प्लेसेस ऑफ डेसिमल क्या बोला है कि 6 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक लिखना है
अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो सिक्स प्लेसेस तक तो आंसर बनता नहीं है ना, तो सिर्फ फोर तक ही बन रहा है. तो सिक्स प्लेसेस के लिए हमें आगे वाली पावर्स भी सॉल्व करनी पड़ेगी. ऐसा कुछ तुम्हें मैथ्स में करना पड़ेगा, वहां तुम्हें कंप्लीट कंप्लीट क्वेश्चन है. ठीक है, सिक्स प्लेसेस बोला है अगर तो क्या करोगे, तो आगे वाली टर्म्स भी निकालोगे ताकि सिक्स प्लेसेस बन जाए. तो आगे भी यूज कर लिया इसको, एन की वैल्यू पुट करते जाओ, 1/3 माइनस 1, x की वैल्यू 0.001 का होल स्क्वायर. तो आगे वाली बस एक के साथ ही हो जाएगा x स्क्वायर तक ही. जब पुट करोगे तो हमारे पास आंसर 10.003301, तो ये आ जाएगा अप टू सिक्स प्लेसेस. समझ आ गया? Yes, ma'am. तो अब देखो फिजिक्स के क्वेश्चंस में बाइनोमियल कैसे अप्लाई करते हैं. मान लो फिजिक्स में क्वेश्चन आया, the value of acceleration due to gravity g at a height h above the surface of earth is given by g dash is equal to g r square upon r plus h whole square. If h is very very less than r, then चार ऑप्शन दिए हैं. ठीक है, क्या बोला है कि acceleration due to gravity g है, उसकी कुछ हाइट के ऊपर सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर ये वाली वैल्यू है. ये भी पूरा आर्टिकल है तुम्हारा, ये भी आएगा तुम्हारी के ये कैसे आएगी, लेकिन फिलहाल मुझे न्यूमेरिकल ऐसे डालना है कि ये वाली वैल्यू है. अगर हाइट है जो एच है उसकी वैल्यू आर से बहुत छोटी हो, तो इन सभी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो. तो इसको हम सॉल्व करके बाइनोमियल में चेंज करने की ट्राई करेंगे. तो जी डैश हमें फाइंड करना है, यहाँ पे जी डैश का आंसर फाइंड करना है. ठीक है, तो ये पहले तो क्या है, जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर. ऊपर आर स्क्वायर है, नीचे हम कैपिटल आर स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हो. इसकी पहले तो होल पावर लिख ली स्क्वायर, उसके बाद इसमें से आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया. नीचे क्या रह गया, 1 अपॉन आर स्क्वायर तो बाहर आ गया है ना, आर स्क्वायर के साथ आर स्क्वायर कैंसिल हो गया. यहाँ क्या आ गया, 1 प्लस एच अपॉन आर. ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया कैसे बनाइए. यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या रह जाएगा, 1 प्लस एच अपॉन आर. यहाँ तक क्लियर हो गया युवराज? यस मैम. ठीक है, तो अब देखो ऊपर क्या था, अब हम इसको बना सकते हैं चेंज. हमें पता है कि अगर 1 अपॉन x स्क्वायर हो तो उसको x रेस टू पावर -2 लिख सकते हो, ऊपर जाके पावर नेगेटिव हो जाती है, नीचे प्लस में. तो उसी तरह इस पूरे को हम अगर ऊपर ले जाए तो पावर क्या बन जाएगी, यहाँ -2 बन जाएगी ना. तो अब बाइनोमियल लगा सकते हो, a की वैल्यू क्या है 1 और x की वैल्यू क्या है h अपॉन r. ठीक है, तो ये क्या बन गया, 1 प्लस एक्स रेस टू पावर एन और एन की वैल्यू क्या है -2. ठीक है, नेगेटिव है और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एच इज वेरी वेरी लेस देन आर. एच क्या है, आर से बहुत ज्यादा छोटा है. अगर एच आर से बहुत छोटा है, जब हम उसको आर के साथ डिवाइड करेंगे तो वो तो और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा. वो तो पहले ही बहुत स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल है एज कम्पेयर टू आर. अब ऊपर से उसको आर के साथ डिवाइड कर दो तो फिर वो और छोटा हो जाएगा, मतलब उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 से कम आएगी बहुत ज्यादा. तो यहाँ पे हम वही लगा सकते हैं कि अगर x वेरी वेरी लेस देन 1 हो, 1 प्लस x की होल पावर n क्या होता है, 1 प्लस n x और माइनस वाला 1 माइनस n x. यहाँ माइनस है तो 1 माइनस, बस एक ही याद रखो, बाकी तो माइनस वैसे ही अपने बेसिक रूल है, जैसे सबट्रैक्शन है प्लस माइनस का. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बन गया, अब माइनस क्या आएगा इसका आंसर, कैन यू टेल मी द आंसर. इसके बाद इन सभी में से अब बाइनोमियल लग जाएगी और माइनस टू सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो आंसर क्या बनेगा. I'm waiting for the answer. Can you please ऑप्शन नंबर बी.
clear have yes or no? Yes ma'am. ठीक है तो ये बन गया अगर फिजिक्स में आ जाए हमारे पास देखो अगर ये ना होता हमारा बन ना रहा होता अगर ये गिवन ना होता h is very very less than r हमें तो गिवन था तो डायरेक्ट लिख दिया अगर ये गिवन ना होता फिर हम इसको ऐसे एक्सपेंड करके लिखते ठीक है हमें गिवन था तो उससे हमें पता चल गया कि जो सेकंड टर्म है वो 1 से बहुत ज्यादा स्मॉल है इसीलिए हमारा आंसर ये बन गया तो कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं ये तो सीधा करोगे 1 plus x की होल पावर n लगा के देखो यहां दिख रहा है अगर 1 पे क्या प्लस हो रहा है 0.0056 तो ये प्लस हो रहा है तो ये 1 से बहुत छोटा है तो डायरेक्ट करना है ऊपर वाले में मैंने लिखा है अप टू 4 प्लेसेस तो ये तुम्हें देखना है कि कैसे होगा सॉल्व 4 प्लेसेस डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक तुम्हें सॉल्व करना है ये दोनों क्वेश्चन करने हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स नेक्स्ट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एबी सीरीज पढ़ी है एपीजी एबी सीरीज पढ़ी है तो मैं 10th में यस मैम ठीक है तो ये वही है कि ये सीक्वेंस होता है नंबर्स का जिसको हम अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना हमेशा एंड हर इनका डिफरेंस क्या होता है कांस्टेंट जैसे ले लो 1 3 5 7 सभी टर्म्स के बीच डिफरेंस सेम है 2 का डिफरेंस है 3 -1 5 -3 7 -5 सभी की वैल्यू कितनी बन रही है 2 एक ऐसा सीक्वेंस है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है और जिसका कांस्टेंट डिफरेंस है 2 4 6 8 ऐसी सीरीज को ऐसे सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं जनरल फॉर्म में ए को तुम कैसे लिखते थे ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री अप टू सो ऑन सी एन ए नॉट मतलब फर्स्ट टर्म ए ए जीरो इसको ए नॉट भी जीरो को फर्स्ट वाले को हम हमेशा जीरो है और फिजिक्स में इसकी प्रोनंसिएशन नॉट एंड ए यू टी ठीक है ये इंग्लिश लैंग्वेज में या अदर लैंग्वेज इसको ए नॉट भी बोल सकते हो ए जीरो भी बोल सकते ए जीरो मैथ्स में बोलते हैं ऐसे ए नॉट बोलते हैं ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री अप टू सो ए एन ठीक है तो nth टर्म ऑफ ए पी को निकालने का फॉर्मूला हमने किया है ए एन क्या होता है ए जीरो प्लस एन माइनस वन इंटू डी ए नॉट हमारी फर्स्ट टर्म है एन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है डी कॉमन डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो ए वन माइनस ए जीरो ए टू माइनस ए वन ए थ्री माइनस ए अब तो सो ये तुमने किया हुआ है सम है ना और फिर सम ऑफ ए पी सीरीज कैसे निकालते हो उसके दो फॉर्मूले किए हैं 2a0 + n-1 और एक फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म n/2 ये याद रखने हैं सभी ये कहीं भी फिजिक्स में किसी भी आर्टिकल में किसी भी एक्सप्रेशन में किसी भी न्यूमेरिकल में ये सब कुछ कहीं भी यूज करना पड़ सकता है ठीक है ये सब कुछ कहीं भी यूज करना पड़ सकता है तो इसीलिए बेसिक स्टार्टिंग में करो उसके बाद अब मैंने क्वेश्चन दिया है फाइंड द सम ऑफ सीरीज 7 10 13 16 देखो सभी का पहले तुम्हें चेक क्या करना है कॉमन डिफरेंस सबका कॉमन डिफरेंस क्या है 3 है सेम है तो ये पता चल गया कि ये एपी सीरीज है सम का फार्मूला क्या होता है हम लास्ट टर्म गिवन थी अगर लास्ट ना गिवन होती फिर हम ऊपर वाला लगा लेते कॉमन डिफरेंस सीरीज करके है ना एन की वैल्यू गिवन होती यहाँ तो डायरेक्ट लग जाएगा फर्स्ट टर्म 7 लास्ट टर्म 25 और टोटल टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 तो इसको सॉल्व करके हम सम ऑफ सीरीज फाइंड कर सकते हैं क्लियर है इतना यस मैम ठीक है इसके बाद ऐसे जीपी सीरीज है जीपी तुमने शायद नहीं किया ये प्लस 1 पे करोगे प्लस 1 या प्लस 2 पे करोगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ठीक है जैसे ए पी सीरीज है वैसे ही ये है वहां पे हम कॉमन डिफरेंस देखते थे यहाँ पे हम कॉमन रेशियो देखेंगे देखो ये एक ऐसा सीक्वेंस है यहाँ पे जो नंबर्स होंगे एवरी टर्म के वो हमें कैसे मिलेंगे मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म बाय अ कांस्टेंट क्वांटिटी उस कांस्टेंट क्वांटिटी को हम कॉमन रेशियो बोलते हैं एग्जांपल देखो 4 8 16 8 / 4 करो 2 आएगा 16/8 भी कितना आएगा 2 रेशियो क्या आ रही है सेकेंड को फर्स्ट के साथ डिवाइड करो तो हमारी रेशियो क्या बन रही है सेम बन रही है कॉमन रेशियो बन रही है ऐसी क्वांटिटीज जिनमें रेशियो क्या हो कॉमन हो गया ऐसा सीक्वेंस ठीक है उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वहां कॉमन डिफरेंस था यहाँ क्या है कॉमन रेशियो है जनरल में जीपी की टर्म्स को तुम ऐसे लिख सकते हो ए ए आर रेशियो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी कॉमन रेशियो कितनी है 2 सभी को 16/8 कितना आया 2 32/16 कितना है 2 है ना तो ये इसमें 2 क्या है हमारा कॉमन रेशियो को आर के साथ मूव कर दो आर की वैल्यू 2 है फर्स्ट टर्म 4 सेकंड 4 * 2 = 8 थर्ड 4 * 2 = 2
8 into 2, 16. Next 16 into 2, 32. ठीक है तो जीपी की ये जनरल फॉर्म है ए ए आर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर एस टू पावर 4 अप टू सो ऑन ए आर एस टू पावर एन. ठीक है यहां तक क्लियर है? यस मैम. ठीक है तो आज इतना ही प्रैक्टिस करना, इतने के ही नोट्स बनाना और जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स गिवन है वो सॉल्व करना. ठीक है ये वाले भी है आज की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और इतना ही बुक से खुद से सारा रीड करना जीरो जितना हो गया. ठीक है आज का आज के लिए इतना ही काफी था. ओके मैम. ठीक है क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं है? आप नो मैम. ठीक है ओके.